मैं डॉक्टर कुंदा प्रमिला नीलकंठ, मैं पिछली 35-40 सालों से सामाजिक मूवमेंट से जुड़ी हुई हूँ, औरतों के मूवमेंट से जुड़ी हुई हूँ और दलित बहुजन फुले शाहू अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़ी हुई हूँ। लेफ्ट आइडियोलॉजी होने की वजह से हमारे जनरेशन में कई साल, मतलब 70s-80s में हमारे कोई कुछ बुजुर्ग लोग रहते थे जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहती थी, उन जिनको आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी रहती थी, वो हमसे हमारे कुछ स्टडी सर्कल्स लिया करते थे। उस स्टडी सर्कल्स में हम लोग, हमें हर विषय के बारे में क्लैरिटी आ सकती थी, लेकिन वो माहौल बीच के कई सालों से गायब ही हो गया। और जब से ये राइट विंग फोर्सेस की जोर बढ़ने लगा, यहाँ पूरे माहौल भारत में, पूरे भारत में माहौल बढ़ने लगा, तब से हमको ये ज़रूरत ज़्यादा महसूस होने लगी। क्योंकि क्या है, हम इंटरनेट और इस ज़माने में तो रहते हैं, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचती तो ज़रूर है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं रहती, जो उसको जो एक दृष्टिकोण लेने की ज़रूरत है, उस इन्फॉर्मेशन को देखने की, वो दृष्टिकोण हमें हमारी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिलता। और उस पर्पज़ से हमने ये सत्यशोधक स्टडी सर्कल शुरू किया। सत्यशोधक ये महात्मा फुले, इनकी परंपरा है, उनकी आइडियोलॉजिकल परंपरा है, और उस आइडियोलॉजी से नाता जोड़ते हुए हमने ये जो हर विषय के बारे में क्लैरिटी लेने के लिए, लाने के लिए, हमने ये सत्यशोधक स्टडी सर्कल का डिस्कशन फोरम शुरू किया है। यहाँ व्याख्यान नहीं होते, यहाँ कोई लेक्चर्स नहीं होते, यहाँ पार्टिसिपेटरी डिस्कशन होता है। लेक्चर्स यदि एक्सपर्ट है भी, उस हर एक सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट्स रहते हैं, लेकिन ये जो डिस्कशन जो रहता है वो पार्टिसिपेटरी लेवल पे ही होना ज़रूरी है, ऐसा हम सोचते हैं। और इस तरह से ये जो क्लैरिटी, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी जो आती है हर सब्जेक्ट में, जो करंट इश्यूज, जो अभी बर्निंग इश्यूज है, उसमें हम क्या सोचे हैं, क्या पोजीशन ले, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को सवाल रहते हैं, कई एक्टिविस्ट रहते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं, उनके दिमाग में भी कोई स्पष्टता नहीं रहती। तो ऐसी स्पष्टता लाने के लिए ये डिस्कशन फोरम है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पे डिस्कशन था। वैसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सवाल है वो पिछले 30 सालों से बार बार खड़ा किया जा रहा है, और वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ पोलराइजेशन के लिए यूज़ करने का मकसद रखते हुए कुछ राइट विंग फोर्सेस बार बार खड़ा कर देते हैं। ऐसे उनको लगता है कि मुस्लिम औरतें बहुत ही पिछड़ी हुई है, उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं, और उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड देने से ही उनका पूरा छुटकारा हो जाता है। ऐसे कुछ गलतफहमियाँ भी लोगों के दिमाग में रहती हैं। तो वैसे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें ज़रूरत है, या हमें जेंडर न्याय देने वाली पर्सनल लॉ, जो कौटुंबिक कायदे जो है, जो पर्सनल व्यक्तिगत जो कायदे बोलते हैं, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। वैसे तो पर्सनल लॉ में सुधार लाने की, औरतों की मूवमेंट तो पिछले 80 साल से चल रही है, 80 साल से ये मूवमेंट चल रही है, फिर भी ज़्यादातर औरतें जो प्रोग्रेसिव है वो बाहर निकली है, घर की उम्रा पार करके जो बाहर निकली है, उन औरतों को बहुत ही जोर से पीछे ढकेला जा रहा है। और हमें औरतों को, हमारी औरतों के संगठनों को भी
पर्सनल लॉ के डिस्कशन के बहुत ज़रूरत लगती है और पर्सनल लॉ में भी रिफॉर्म्स लाने का हमें बहुत ही ज़रूरत लगता है, जो हमने 80 साल में मूवमेंट की थी पर्सनल लॉ को लेके, रिफॉर्म्स को लेके, लेकिन वो फिर से अभी पीछे ढकेले जा रही है। इसलिए हमें औरतों को भी पर्सनल लॉ के सुधार में की लाने की ज़रूरत है। ऐसे मकसद से हमने आज ये जो डिस्कशन रखा था वो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या पर्सनल लॉ चाहिए, मतलब कौटुंबिक कायदे की ज़रूरत है या हमें यूनिफॉर्म समान नागरिक कायदा। यूनिफॉर्म तो हर कल्चर अलग रहता है, कोई भी कल्चर एक दूसरे से एक रंगी नहीं हो सकता, तो ये जो वन कलर जो कंसेप्ट है उसको हम चैलेंज करना चाहते हैं। इसलिए उसके इस विषय पर स्पष्टता लाने के लिए हमने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर डिस्कशन रखा। लोअर कोर्ट हाई कोर्ट ने औरत को आदमी का पिटीशन डिसमिस किया था, तो आदमी गया सुप्रीम कोर्ट और किस कारण से डाइवोर्स दिया कि वो औरत आदमी का पेरेंट्स के घर में रहना नहीं चाहते। और एक हिंदू धर्म में एक हमारा एक ट्रेडिशन होता है कि औरत अपना इन-लॉज जॉइंट फैमिली, ये जॉइंट फैमिली हमारा ट्रेडिशन है, ये जॉइंट फैमिली हमारा इंडियन कल्चर है, ये बोले। और मैं ये कहती हूँ अगर वो औरत मुसलमान थी कि क्रिश्चियन थी, बूढ़ी हो गए और उनका सेवा करना बहुत ज़रूरी है, अलग नहीं रहना, अलग रहना गुनाह है, अलग रहना इज क्रूएल्टी एंड टाइटल इन द वुमन फॉर ड्यूज। काफ़ी लोगों ने ये पूछा कि ये औरत का भी अपने माँ बाप नहीं रहते क्या, वो भी बूढ़े हो गएंगे, उनका भी सेवा, उनके लिए भी कोई चाहिए ना सेवा करने को। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक हिंदू औरत होने के नाते जब भी शादी में तुम्हारा कन्यादान होता है, सातवेरा होते कन्यादान होते, होमा होते सातवेरा होते कन्यादान होते। एक कन्यादान होने के बाद ये औरत गई वो घर में, हम सोचते कि इक्वालिटी है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये है वो है, लेकिन समाज में हमको वो किधर दिखता है। और इसके ऊपर डाउरी भी देना पड़ता है और उस पर डाउरी का भी वायलेंस होता है, ये सब होते हैं हमारे समाज में। हमारा समाज को लड़कियों नहीं चाहती, चाहती नहीं, हमारा फीमेल फिटिसाइड होते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड होते हैं, डाउरी डेथ होते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे देश का प्रॉब्लम है। हम ये नहीं बोलते कि हिंदू का प्रॉब्लम है, वो बोलने में हमको संकोच होते। एक फिल्म आया अभी अभी, एक पास्ट करके उसका नाम है, एक राजस्थान का विलेज में, और वो फिल्म आप देखिए तो सारे औरतें और सारे तरह किस किस तरह से औरतों को क्या क्या होते उधर। सोचो अगर वो गांव मुसलमान का होता और ये औरतें मुसलमान होती क्या होता था इस देश में, कि देखो मुसलमान औरत के साथ क्या होते, मुसलमान औरत के साथ क्या होते। हिंदुओं को बाबा तो रोज की बात है, ये तो होता ही है। आज हमको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस का एक उदाहरण रूप की अल्पसंख्यक की माइनॉरिटी, दैट इज ऑल्सो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए दिया, तो क्या हिंदू समाज, हिंदू कल्चर, हिंदू धर्म की औरत के साथ इतना अच्छा बर्ताव करें कि हम माइनॉरिटी होके हम ये धर्म स्वीकार करेंगे, लॉ स्वीकार करेंगे? अगर ऐसा होता था हम स्वीकार भी करते थे कि मुसलमान लॉ में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक करार है, उसमें कंडीशन डाल सकते। आप बोलेंगे कंडीशन नहीं डाल सकते औरत, उसका तो उतना हैसियत ही नहीं है। अगर हैसियत तुम तैयार करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट डाल सकती है, लेकिन अरे मेरा लड़की मुसलमान से शादी किया पूरा उसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने बना दिया और वो वैलिड है, लेकिन ये हिंदू धर्म में वो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि वो सैक्रामेंट है, संस्कार है, जो भी लिखा है ना उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, लेकिन ये पूरा सेरेमनी में किधर है वो कॉन्ट्रैक्ट का? कोई पूछते कि लड़की से ये आदमी के साथ तुम शादी करना चाहते हो,
लेकिन इस्लामिक कानून फ्रॉम द बिगिनिंग एक करार है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे तुम्हारा शर्त भी तुम लगा सकते हो और उससे पूछा जाते हैं, भले वो हाँ बोले कि ना बोले, एक्चुअली फॉर एक रीति रिवाज से वो हाँ बोलेगी, एक्चुअली शायद नहीं भी बोल सकती, लेकिन रीति रिवाज तो है ना, रीति रिवाज तो है ही। अब ये जो आर्बिट्रेशन, जो तलाक के पहला दो साइड साथ में आना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, और वो बातचीत करने के बाद वो शादी जोड़ सकते हैं तो जोड़ेंगे, नहीं जोड़ सकते तो उसमें तलाक हो जाएगा। ये इस्लामिक धर्म में से आया, और अभी हमारे फैमिली कोर्ट में यही चल रहा है कि काउंसलिंग होना चाहिए, आर्बिट्रेशन होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स होना चाहिए। वो म्यूचुअल कंसेंट हिंदू, जब हिंदू कोर्ट बिल बनाए तभी नहीं लाया, क्योंकि ऐसा सोचा गया कि हमारा हिंदू बहने उसके लिए काबिल नहीं है। 1978 में म्यूचुअल कंसेंट में आया, 2001 में क्रिश्चियन औरत म्यूचुअल कंसेंट में आया, लेकिन इस्लामिक लॉ फ्रॉम द बिगिनिंग कि औरत भी तलाक ले सकती है, खुला ले सकती है, वो मुबारा भी कर सकती है विद कंसेंट। अभी ये जो लॉ है, जब ये हिंदू लॉ का तैयारी हो रहा था तो अंबेडकर ने आर्टिकल 44 तो बनाया था, लेकिन जो उसको विरुद्ध आया तो उन्होंने बोला कि चलो हम कम से कम हिंदू बनने के लिए तो कानून बनाएंगे। क्यों बनाया था, क्यों बनाया था? क्योंकि क्रिश्चियन और मुस्लिम औरत को तलाक का हक था, मुस्लिम और हिंदू क्रिश्चियन औरत को प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का हक था, हिंदू अपर कास्ट औरत को वो हक ही नहीं था, तलाक लेने का हक ही नहीं था। शादी बोले बोले जन्म जन्मांतर का संबंध था, ये धर्म नहीं आगे धर्म पर भी सात जन्म तक वही आदमी, हम पूजा करके पाठ करेंगे वही आदमी मेरे को फिर से मिलो, मारते पीटते जो भी चलेगा, लेकिन आदमी तो वही चाहिए। आज भी देखो हमारा देश का प्रधानमंत्री, उसकी औरत खुद की उन्होंने डिजर्शन कर दिया, लेकिन वो बेचारे रो रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाई ने देखो उनका ट्रिपल तलाक होते। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, सिर्फ दो तीन शब्द में बोलना चाहती हूँ। अभी बार बार इनको ये कहा जाता है कि बोर्ड है, बोर्ड औरत को जाना नहीं देते वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन बोर्ड का एफिडेविट में ये शब्द आया, शमी मारा रूलिंग जो 2002 में शमी मारा का एक रूलिंग आया, उसमें क्या कहा कि जो तलाक है कुरानिक तलाक होना चाहिए। बोर्ड से कुछ अपोजिशन आया तभी, सुना आपने, देखा आपने, कोई भी अपोजिशन नहीं आया, और एफिडेविट में हम उन्होंने बोला वो हमको मंजूर है, वी आर नॉट अपोजिंग शमीमारा जजमेंट, बराबर। अभी जो भी सुप्रीम कोर्ट में गए, जैसा कि बीएमए में गए, शहराबानो में वगैरह वगैरह सब लोग गए, लेकिन शमीमारा का जजमेंट आ ही गया है। शमी मारा जजमेंट में भी ले डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में, लेकिन जब भी मैं तो तभी से लिख रही थी, और हमारा संस्था बहुत सारे केसेस शमी मारा लेकर हम केस लड़ते हैं, किसी को भी तलाक हुआ बोलते ये पूरा नहीं तलाक नहीं है, पूरा महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में हमारा फुल बेंच का भी गुस्सा था, दगड़ों पटा करके जजमेंट फुल बेंच का, पूरा जज लोग जानते हैं, मैजिस्ट्रेट का कोर्ट भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और अगर वकील है वो औरत को कोर्ट में ले सकते हैं तो उसको पूरा हक मिल भी सकते हैं, लेकिन हमारा देश में एक्सेस टू जस्टिस नहीं है, उसके बारे में हम बात ही नहीं करते। कोई भी कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने को डरते, पुलिस थाने में जाने को डरते, कोर्ट में जाने को डरते, यूसी से आओ उसका बाप भी आने का, क्या लॉयर खड़े होंगे क्या कोर्ट में लेने का औरत को? हाँ, एक एक केस 10-10-20 साल कोर्ट में है, एक एक म्यूचुअल कंसेंट के लिए वकील 30,000-50,000 ₹1,00,000 लेते। उसके बारे में देखो ना हमारा मोदी जी सर, उसमें कुछ सुधार लाओ तो सब औरत को हक मिलेगा, ये एक बात है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था, दानियल लतीफी जजमेंट करके, बार 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 सब लोग उसका जिक्र करें, जावेद अली से लेके फिरोज मिथिभोरेवाला से लेके सुरजीत बल्ला से, सब लोग वही जिक्र करें,
अरे 1986 एक्ट आया उसके बारे में, उसके बाद औरत को हक ही नहीं है। ये किसने बोला भैया? हमारे कोर्ट कचहरी को चाहिए कि नहीं? पूरा रास्ते पर पढ़ के मर रहे क्या मुसलमान औरत? वो एक्ट आया, उसका डिसीशन आया 2001 में। वो डिसीशन का नाम है डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो चैलेंज किया था, किसी ने चैलेंज किया? सब लोग ने, NCW किया था, डैनियल लतीफी के बहुत सारे लोगों ने, लॉयर्स के लिए सारे 15 पीस उसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का एक दावा लगाया था कभी 86 में। लेकिन 2001 में जब एक कोर्ट में केस आया, उसमें वो साइड में कौन थे? पूरा सारा मुसलमान हस्बैंड। क्यों आए थे? क्योंकि हर कोर्ट उनको लमसम मेंटेनेंस दे रहा था। कितना दे रहा था? कभी 3 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, फेयर एंड रीजनेबल सेटलमेंट, यही एक्ट के अनुसार दे रहा था। बहुत सारे केसेस हैं। ये दानी लतीफे आने के पहले मैंने एक छोटे से बुक तैयार किया, उसका नाम है जजमेंट कोर्ट। पूरा जजमेंट मैंने दे दिया उसमें, पूरा का जजमेंट। लास्ट वो सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। 2001 में एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। इसके अलावा उसका हक सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं है, फेयर एंड रीजनेबल सेटलमेंट फॉर लाइफ। ये पूरा जिंदगी में उसको कितना मेंटेनेंस चाहिए, उसकी उम्र क्या है, उसका स्टेटस क्या है, हस्बैंड का अर्निंग क्या है, उसका हेल्थ सिचुएशन क्या है, वो सब पूरा साथ में लेके उसके फेयर एंड रीजनेबल सेटलमेंट मिलेगा। लेकिन आज भी जस्टिस सावन में भी वही बोला, सब ने उम्र को रोना आते सुनने में, मेरे को रोना आते। डैनियल लतीफी का बैकग्राउंड जरा बताओ। डैनियल लतीफी जो थे वो सावन के लॉयर थे। उसके बाद में 1986 एक्ट आया, उनको भी बहुत खराब लगा। उन्होंने एक चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, PIL डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे पड़े रहते 15-20 साल, बेचारे वो मर भी गए उसके पहले। लेकिन केस तो आएगा ना ऊपर। 2000 में उसका डिस्कशन हुआ, कितना सारे 3-4 महीना डिस्कशन हुआ। प्रोग्रेसिव, वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन, वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन, बट ही थॉट दिस वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, वाई डिड यू डू दिस? बट द सुप्रीम कोर्ट टर्न्ड इट अराउंड। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वॉज ए पार्टी। ऐसा हम बोलते कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलते कि औरतों को कोर्ट में मत जाओ, दे वर पार्टी टू द लिटिगेशन। उनका कहना यह था कि 3 महीने के लिए होना चाहिए क्योंकि शरिया वो ही बोलते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लुक्ड एट द कुरान, कुरानिक वर्सेस, इंटरप्रेटेड द कुरानिक वर्सेस एंड गेव अ जजमेंट। यूसुफ बचारे सर ने आर्ग्यू किया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया सबके लिए लागू है, उनको भी है, इनको भी है, सबको लागू है। और आज बोर्ड का एफिडेविट में उसका जिक्र आया कि दानियल लतीफी जजमेंट डिसीशन वी एक्सेप्ट एंड इट इज फेयर एंड रीजनेबल सेटलमेंट विच शहरवान वॉज एंटाइटल्ड टू। लास्ट एक है कि हमारा एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 में आया। उसमें क्या है कि पूरा एक औरत को आदमी ने मारा, ये किया, वो किया, सब whether she is married or after a divorce, she is entitled for her right of residence, right of maintenance and her any other right, बच्चों का ताबा देने का जो भी rights है। अभी हमारा discussion होता है ना हमारे women's group में, लोग क्या बोलते हैं, अरे ये domestic violence act काम नहीं करते, तो तुम्हारा UCC काम करेगा? ये act काम नहीं करते, वो act काम नहीं करते, वो act, अभी हमको सब नया ही चाहिए। काफ़ी वीमेंस ग्रुप भी ये बोलते हैं हमको UCC चाहिए, और अपना सरकार भी बोल रहे, मोदी जी भी बोल रहे, अपना वाइजे सर भी बोल रहे, सब लोग यही बोलते हैं हमको UCC चाहिए। और कभी कभी मुझे लगता है ना UCC आने नहीं, हम बाद में हम लोग देखेंगे मजा की क्यों औरत किधर जाती है, क्या राइट्स मिलते हैं। ना बैन आने दो कि कौन हमारा वार्ड 498A है, हमारा 498A क्रूएल्टी के लिए है, मुसलमान औरत भी उसमें कंप्लेंट लिख सकते, हिंदू भी लिख सकते, कोई भी लिख सकते, आदमी ने उसके साथ गलत बर्ताव किया वगैरह वगैरह घर से निकाल दिया, वो भी दोनों भी कर सकते हैं। औरतें नहीं करते, जाते नहीं, जाते तो मिसयूज़ बोलते हैं हम, लेकिन जाते क्यों नहीं? क्योंकि आदमी को बंद करके उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, उसका पैसा चाहिए हाथ में, घर में रहने का हक चाहिए, शादी तोड़ना नहीं चाहती वो। ये हमारा इंटेंशन है
फिर भी आज ये पूरा हवा देश भर में हम लोग ने खड़ा किया. क्यों? मुसलमान औरत को तलाक देते, मुसलमान आदमी पॉलीगमी करते, क्या हिंदू आदमी पॉलीगमी नहीं करते? और हिंदू आदमी जब भी पॉलीगमी करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको, वो औरत को, हाँ, रखे. कोर्ट कचहरी में बोलते हैं रखे है सर, यो मेरी रखेल औरत है. जब भी बोलते हैं उसका रखेल है, औरत नहीं है. अभी हिंदू मुसलमान आदमी क्या करेगा? एक तो रखेल करेगा, एक तो डिसेशन करेगा. जो सारे हिंदू आदमी करते हैं वो ट्रिपल तलाक नहीं बोलते ना, खाली डिसेशन करते, छोड़ देते हैं ना इसको. एक गांव में छोड़ देते हैं, एक इधर छोड़ देते हैं, दूसरे टीसी के साथ रहते हैं. परित्यक्ता बोलते हैं हम उसको, बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप. अभी टीसी के साथ वो बोलते हैं लिव इन. पहले दो है उनको क्या हुआ? वी आर नॉट बॉदर ऑल्सो. लेकिन अभी किधर किधर, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, किधर भी नुक्कड़ में खड़े रहो. यूसीसी होना चाहिए. हाँ मैडम, यूसीसी तो होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? ये मुसलमान औरत का बहुत तकलीफ है, उनको ना हमेशा पॉलीगमी होते. ये मीडिया का क्रिएशन है. ये मीडिया ने राइट विंग एंटी मुस्लिम मीडिया को, जब ये शहराबाद में केस आया कि बीएमएम का स्टडी आया, उन अगर बहुत सारे स्टडीज आते हैं हमारे देश में, हमारा देश में बच्चे खाना नहीं होते, मर जाते. कुपोषण है हमारे स्टेट में, नॉट बिग स्टोरी. 1.2 मिलियन गर्ल्स आर मैरिड बिफोर देयर 10 इयर्स एंड दे 84% आर हिंदूज. किसी का आंख में पानी नहीं आता. हमारा देश में इतने ट्रैफिकिंग का केस होते हैं, सेक्सुअल स्लेवरी होते हैं, उसका भी स्टैटिस्टिक्स आते हैं, यूएन से आते हैं, इधर से आते हैं, उधर से आते हैं, किसी के आंख में नहीं आते. हमारे देश में ऐसा कि एवरी थर्ड वुमन इज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. वी कीप ऑन सीइंग, बट इट डजंट बॉदर अस. व्हाट बॉदर्स अस इज मुस्लिम वुमन इज गेटिंग तलाक. व्हाट बॉदर्स अस इज मुस्लिम मेन आर गेटिंग पॉलीगमी. सो यू टेल अस व्हाई दिस इज बीइंग क्रिएटेड. आरएसएस इज वन, बीजेपी इज वन, बट इट इज द मीडिया हु हैज क्रिएटेड इट. आवर सेंसेशनलिज्म, एब्सोल्यूट सेंसेशनलिज्म. बीएमएम का स्टडी आया, उसमें बोला कि 4710 में SMS का तलाक एक ही केस था, एक ही केस. हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं अरे मुसलमान लोग SMS से तलाक. अरे SMS का क्या, प्रॉफिट ने बोला SMS का तलाक वैलिड है, कुरान में लिखा है वो SMS का तलाक वैलिड है. आदमी कुछ भी बोल सकते हैं. अगर तुम्हारा हिम्मत इतना है कि कोर्ट में तुम वो चैलेंज कर सके, तो तुम्हारा केस आदमी का केस नहीं रहेगा, तुम्हारा ही चीज़ रहेगा. बट वी कैन नॉट यूज लीगल प्रोसेस और ना हिंदू ना मुसलमान ना यूसीसी. व्हाट वी वांट इज सेंसेशनलिज्म. वी वांट टू क्रिएट एक माहौल बनाना एंटी मुस्लिम. वो हम दो हमारे दो, वो 5 उनके 25. परसों एक दिन ये आया कि आई थिंक भगवत ने लिखा कि हम हिंदू को बोले कि और बच्चे पैदा करने का. तो उद्धव ठाकरे ने बोला नहीं नहीं यूसीसी लाएंगे. सो यू कैन इमेजिन वेयर द कनेक्शंस आर, कि बच्चा पैदा करो एक साइड में, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ाने के है हिंदू का. बोले नहीं नहीं यूसीसी लाओ सब ठीक होगा. तो मैं बोलती हूँ यूसीसी लाओ, बैन लाओ पॉलीगैमी सब. मैं ये मैदान में छोड़ के जाती हूँ. अब देखो जो भी आगे इस ज़माने में, प्लीज़ अब देखो और अपना हमारा मती संसद 10 नहीं 100 संस्था और स्टार्ट करो कि बेचारी औरत को कोर्ट में लेकर जाए. बस मैं तो इतना ही करती हूँ. एक तो ये बात सही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक राजनीति पहले से चल रही है, और वो राजनीति मतलब द फनी पार्टीज के जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की समिति लॉ कमीशन ने बनाई है, उसके अध्यक्ष खुद बोल रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है वो मुझे पता नहीं. वो टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका पूरा इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा था कि आई डोंट वॉन्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड. सो देर इज नो नीड टू रन अवे फ्रॉम द डिबेट ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड. उन लोग 25 साल से बोल रहे हैं भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड का कौन बिल लाइए, आपका क्या ड्राफ्ट है, उस पर चर्चा होगी और पेश पर बहस चलेगी. उनके पास कोई ड्राफ्ट नहीं है. सो दैट इज वन एलिमेंट. दूसरी जो बात खास करके करनी है कि अभी मुस्लिम समाज में परिवर्तन की एक मूवमेंट चल रही है, वो
मुस्लिम समाज में मुस्लिम महिला उस आंदोलन को लीड कर रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल अवार्ड के लिए डू दिस प्लीज। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल अवार्ड के बारे में जो फ्लेवर ने जिक्र किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट अभी दिया था, उन्होंने उसमें लिखकर दिया कि मुस्लिम औरतों को अक्कल कम होती है, मुस्लिम औरतें में ताकत कम होती है और बेसिकली जो समाज होता है वो पेट्रियार्की होता है, उसी तरीके से ये समाज चलेगा। उन्होंने पेट्रियार्की तक का भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट को मेंशन किया। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल अवार्ड के जो इम्पोर्टेंट जो लीडिंग लॉयर्स है, उसमें से हमारे सेक्युलर यूसुफ मुचला जी, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल अवार्ड का पूरा फंडिंग सहयोगा करते हैं, उसके लड़ने वाले जो वकील होते हैं वो दाऊदी बोरा होते हैं, उसी प्रकार से ये पूरा खेल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल अवार्ड का चल रहा है। तो ये बहुत ही रिग्रेसिव बॉडी है, उन्होंने ये मान ली बात, बहुत अच्छी बात है कि एक वन टाइम सेटलमेंट, मगर वो शरीयत का हिस्सा उनके हिसाब से नहीं, उन्होंने मान ली बात। जब उन्होंने वो बात मान ली है तो अभी वो भी बात एक्सेप्ट कर लीजिए कि इंसिडेंटल तलाक को बैन करो, पॉलीगैमी को बैन करो, और हमारे बहुत सारे साथियों को हलाला पता नहीं, उनको लगता है हम हलाला हलाल मीट की बात कर रहे हैं, मगर ये जो निकाह हलाला है वो नीति रिवाज है, वो इतनी भयंकर है। और मैं उसके बारे में जब बता दूँ, मैं पाकिस्तान टीवी चैनल को भी देख रहा था, एक ही औरत के साथ 6 बार हलाल हुआ है। हलाला का मतलब ये है कि इंसिडेंट ट्रिपल तलाक दे दिया, दारू पिया था, SMS, व्हाट्सएप, स्काइप, मतलब दिमाग 1400 साल पुराना, मगर मॉडर्निटी हाथ में, आगे बढ़ नहीं रहा समाज, ठीक है। सो द पॉइंट इज के उसने ट्रिपल तलाक दे दिया दारू के इसमें, दारू हराम है मगर ट्रिपल तलाक हराम नहीं, ठीक है। बीवी रो रही है, इसका नशा उतर गया, बोले गलती हो गई, क्या करें, दोनों काजी के पास जाते, काजी बोलते हैं तलाक तो हो गई, इसका कोई रास्ता निकालो, काजी बोलते हैं एक ही तरीका है हलाला, तो दोनों मियाँ बीवी हलाला की आफत है। बात हलाला का मतलब है कि तुम्हारी बीवी की और किसी के साथ शादी करनी पड़ेगी, उसको उसके साथ एक सुहागरात मनानी होगी और अगले दिन तुम्हारे पास वो तलाक लेकर आएगी। तो ये दोनों एकदम चौंक जाते हैं कि भाई ये तो बदतमी हो जाएगी, हमारे 4 बच्चे हैं, मेरी औरत 40 साल की है, मैं 50 साल, तो क्या करेंगे। बोला कि ये सब अंदर ही सेट हो जाएगा, तुम्हारी बीवी का मेरे साथ शादी करवा दो, निकाह करवा दो, अगले दिन विदा दी, वो औरत फंस जाती है। कराची में हलाला सेंटर चल रहे हैं कि हलाला करने वाले मर्दों को 2.5 लाख रुपये का रकम मिलता है, इसलिए रकम मिलता है कि वो काजी अगले दिन वो औरत को तलाक देगा, उसकी को गारंटी है, और उसको तलाक देगा, बाद में जबरदस्ती और किसी से निकाह करवा देगा और वो घूमती रहेगी। तो निकाह हलाला पे तो बैन होना चाहिए, इनवैलिड और उस किस्म की बातें नहीं है, निकाह हलाला हैज टू बी बैन। दूसरी बात है कि पॉलीगैमी को लेकर 1400 साल पहले जंग होती थी, ये होता था वो होता था, उसका एक लॉजिक था, भारत में तो औरतों की संख्या भी कम हो चुकी है, ठीक है। तो मुस्लिम औरतों का, और वो खाली भारत के मुस्लिम आंदोलन की बात नहीं है, मगर CSBS ने भी जो साइंटिफिक पोल किया है उसमें भी अधिकांश मुस्लिम औरतें बिटवीन 60-70% असेंबली वॉन्ट अ बैन ऑन पॉलीगैमी, ठीक है। और खास करके जो इंस्टेंट तलाक है, ये इतनी बेहुदा चीज है कि अच्छे खासे मुसलमान भी बोलते हैं कि भाई उसको तो खत्म करो, मगर बोल नहीं पा रहे क्योंकि कम्युनिटी का सेंटिमेंट किधर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मुहिम चल रही कि इस्लाम खतरे में, संविधान बचाओ, संविधान में उनको खाली कलम 100 आर्टिकल 25 समझ में आता है, राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोसेलिटाइज, जिसमें खुद वो मानते नहीं है, मानते इसलिए नहीं है क्योंकि इस्लामिक कानून के अनुसार जो भी उनका अंडरस्टैंडिंग इस्लाम का कि भाई आप प्रैक्टिस करो ठीक है, मगर कन्वर्जन का तो सवाल नहीं आता, एंट्री का दरवाजा इस्लाम में, जाने का तो दरवाजा है ही, ठीक है। तो आर्टिकल 25 और 26, द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोसेलिटाइज, कन्वर्ट वगैरह वगैरह, वो अधिकार हमारा है, राइट टू फ्रीडम टू प्रैक्टिस। मगर हाजी अली जजमेंट में हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया है कि आर्टिकल 14 और 15 सुप्रीम है, इक्वालिटी एंड नो डिस्क्रिमिनेशन, धर्मों को अधिकार है प्रैक्टिस का, धर्मों को अधिकार नहीं है डिस्क्रिमिनेशन करने का, राइट टू रिलीजन इज नॉट द राइट टू डिस्क्रिमिनेट, द राइट टू रिलीजन इज नॉट द राइट ऑफ इनइक्वालिटी, एंड दैट इज वॉट वी वन इन दी हाजी अली जजमेंट।
और जब हाजिरी का मोमेंट भी हम लोग उठा रहे थे तभी कुछ सेकुलर लोग बोल रहे थे वो टाइम पे कि भाई ये कौन से टाइम पे आप उठा रहे हो, आरएसएस बीजेपी मोदी सत्ता में, इट इज़ अराउंड टाइम। द प्रॉब्लम फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी इज ऑलवेज अराउंड टाइम, 70 years have gone by, 70 साल निकल गए, wrong time, BJP, RSS, that is the problem। ये डर से अभी चलेगा नहीं मामला, मुस्लिम औरतों की एक संगठित आंदोलन खड़ा हो चुका है, they know the Quran, they know the Sharia, they know the Hadith, and they know the Constitution of India better than all these moronic Maulanas on our TV screens। और बार बार उन्होंने टीवी डिबेट देखा है कि मौलाना पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है मगर बाद में अपनी औकात को उतर जाता है, औकात को उतरने के बेसिकली औरतें इम्प्योर होती हैं। हाजी अली दरगाह के इसमें भी बार बार वही बोलेगा कि औरत अपवित्र होती है, उन्होंने हाजी अली के एफिडेविट में हाईकोर्ट में लिख कर दिया था, बाद में उन्होंने विड्रॉ कर दिया। जिस बेहुदा लेवल पर ये पूरा ऑल इंडिया मुस्लिम को असलो हो, ठीक है, जो रिग्रेसिव एलिमेंट्स है और खासकर अभी जो बातचीत उनके प्लेटफॉर्म पे से हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो हमारी मस्जिदें बंद हो जाएगी, अजानें बंद हो जाएगी, बुरखा और दाढ़ी बंद हो जाएगी, कुर्बानी बंद हो जाएगी, और मुसलमानों की मीटिंग्स में अभी सिविल वॉर की बात हो रही है, वेयर आर वी गोइंग? दैट इज व्हाई एज सेक्युलरिस्ट वी हैव टू प्ले दिस रोल ऑफ चैलेंजिंग द बीजेपी ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। लाओ बाई ड्राफ्ट हमारे पास, जैसे इरफान मैंने बताया उनके पास ड्राफ्ट नहीं है, वो ही नहीं सकता उनके पास ना। वाजपेयी से ये 1998-99 की उनकी सरकार से लगातार चल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, तो दे डोंट हैव अ ड्राफ्ट। बात करो ड्राफ्ट के ऊपर से, लॉ का उनके चेयरमैन को उनको पता कि मेरे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, मेरे को पता नहीं, ये क्वेश्चन भी बहुत वीक है। एंड ऑन द अदर हैंड कि वी हैव टू चैलेंज दी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन दैट वी आर इन कॉन्टैक्ट विद, और मैं सबसे ज़्यादा चाहता है इधर, मगर 2011 बाद से जो क्राइसिस मुस्लिम वर्ल्ड में आई है उसके बाद कुछ सवाल उन्होंने किए, और एक सवाल है कि ये अगर मुस्लिम मेजोरिटी, ये अगर ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री होता तो ये सेकुलर कंट्री होता, इस्लामिक कंट्री होता? अब मैं आपको बता रहा हूँ इस्लामिक कंट्री होता, क्योंकि जिन जिन मुस्लिम संगठनों के साथ हम लोग काम कर रहे इतने सालों से हिंदू मुस्लिम एकता पे और सेकुलरिज्म पे, इनका सेकुलरिज्म से कोई लेना देने नहीं है, उनको इस्लामिक राष्ट्र चाहिए, और हिंदू मुस्लिम एकता के आगे से हम लोग को कुछ गंभीर सवाल उनके सामने खड़े पड़ने पड़ेंगे जो बाकी के मुस्लिम सोसाइटीज में एड्रेस हो चुके हैं। टूनिशिया में पॉलीगैमी बैंड है, उसके कोई इस्लाम कम नहीं हुआ, 22 कंट्रीज में ट्रिपल तलाक बैंड है, बांग्लादेश श्रीलंका पाकिस्तान है वो प्रोग्रेसिव इस्लामिक लॉज एंड वीडियो इंडस्ट्री। सो द पॉइंट इज दैट जो मुस्लिम समाज में जो रिग्रेसिवनेस है, जो रिएक्शनरी एलिमेंट्स है, उसको अंदर से चैलेंज हो रहा है, और जो रिफॉर्म का एजेंडा है दैट मुस्लिम प्रोग्रेसिव विमेन आर सेटिंग, जो मुस्लिम महिला है जो हमारे प्रोग्रेसिव आंदोलनों से निकली है, दे आर सेटिंग द एजेंडा फॉर रिफॉर्म, द मुस्लिम प्रोग्रेसिव मेन हैव फेल्ड, मौलाना नेवर वांटेड एनी काइंड ऑफ रिफॉर्म, and the Islamists, political Islamists don't want any kind of reform, but the Muslim women are now leading the struggle, they are setting the agenda to which the nation is responding। इसलिए जो काम और सही का फ्लेवर जी ने कि शमीवारा केस के बाद, दैनिक गतिविधि केस के बाद जो आंदोलन कम पड़ा, इसलिए जब आंदोलन कम पड़ा तो 3 मुस्लिम महिला फिर से सुप्रीम कोर्ट में गई और उनको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को डायरेक्टली नहीं बोल रही है मगर व्हाट्सएप पे उनके खिलाफ मैसेज क्या चल रही है कि ये किस किस्म की, मैं वो गालियाँ जो चल रही उनके खिलाफ नहीं लूँगा मगर ये किस किस्म की औरतें हैं कि इस्लामिक शरीयत को चैलेंज करने वालों सुप्रीम कोर्ट में, बेहुदा गाली चल रही उनके खिलाफ, नूरजा और जकिया की इतना भी वही हो रहा है, इसलिए भी हो रहा है कि उन्होंने हिंदुओं से शादी की तो ये मुसलमानी की तरफ, तो जब आपके पास डिबेट करने के मुद्दे नहीं तो आप उनके पर्सनल पे चले जाओ, और उस किस्म के मौलाना और उस किस्म के नेता जिनका कोई वो आजम खान और रघु हाशिम आजमी और शमशेर खान पठान उसके समझ लो जिनकी खुद की कैरेक्टर की गोटी लगे, तो पर्सनल अटैक्स औरतों को जहील करो, ठीक है, तो दे कैन नॉट टॉलरेट द फैक्ट दैट टुडे मुस्लिम वुमेन आर चैलेंजिंग ऑन द बेसिस, और वो क्या बोल रहे हैं, आपका ही कुरुक्षेत्र का बैटल फील्ड है। अब बात करो मुस्लिम क्वालिफिकेशन की, दे आर नॉट इवन डिमांडिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, बोल रहे कि जैसे हिंदू के सिविल कोड है, जैसे क्रिश्चियनों का है, पारसियों का है, हिंदू सिविल मुस्लिम कोड को ना शरत के आधार पर बनाओ, कुरान के आधार पर बनाओ। तो एक टीवी डिबेट में मौलाना मुझे समझा रहा था, भाई मगर इस्लाम का तो वो तरीका नहीं है, 3 महीने का तरीका, बोला वही तुम लोग बोल रहे हो, और आज 70 साल से समझा और समझाओ तुम, तुम्हारे मदरसे के बच्चे नहीं, ओके, दी मौलानाज आर वेरी मच ऑन द बैक फुट, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या हुआ है कि बीजेपी ने अपना खेल खेला है, 3 मुस्लिम महिला सुप्रीम कोर्ट में गई है,
मुस्लिम महिला का रिफॉर्म एकदम आगे आ चुका है, नेशनल डिबेट में आ चुका है और बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिबेट लाई है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल अवार्ड के लिए बहुत अच्छा इशू बन गया है कि ये बेसिकली ट्रिपल तलाक पॉलीगैमी हलाला का सवाल नहीं, ये तो पूरे इस्लाम का सवाल आ गया। जाकिर नायक का भी सवाल इस्लाम का सवाल है, भारत का मुसलमानों का बीस का सवाल है, ये जाकिर नायक का सवाल है, इस्लाम का तरह। इसलिए अभी तो 2000 नोट और 50 और ये सब के नोट के पीछे भाग रहे, नहीं तो ये लोग की लगातार पूरे देश में सम्मेलन। सो नाउ एज आई सेड वन इज टू टेक ऑन द राइट विंग ऑन द डिबेट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉल देयर ब्लफ, कोई दिक्कत नहीं, बात करो उसमें। और उसके साथ कि मुस्लिम महिला का जो आंदोलन है जिन्होंने बहुत मेहनत से खड़ा किया है उसके साथ एंगेजमेंट की एक्चुअली मुस्लिम महिला को क्या चाहिए, ओके, व्हाट आर द डेमोक्रेटिक डिमांड्स, प्रोग्रेसिव सेक्युलर डेमोक्रेटिक डिमांड्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी। वही कुंदा का ऐसे बात हुई थी कि एक उस पर एक कि आंदोलन कैसे डेवलप हो गया, उनकी डिमांड्स क्या है, और उनको लेकर जैसे हाजिरी को लेकर हम लोगों ने एक सपोर्ट ग्रुप बम्बई में बना लिया था, एक आंदोलन चला, ठीक है, वैसे ही ट्रिपल तलाक पॉलीगैमी और हलाला को लेकर उन्होंने एक मीटिंग की थी, उसको लेकर भी एक मोर्चा सब बम्बई में खड़ा करना है ताकि उस आंदोलन को सपोर्ट मिले। उसके साथ इरफान भाई की बात सही बोली है कि सिर्फ मुस्लिम सवाल मुस्लिम औरतों का सवाल नहीं है, सभी धर्मों में जो इनइक्वालिटी के और डिस्क्रिमिनेशन के सवाल है औरतों को लेकर, वो सभी सवालों को लेकर हम लोग को आगे बढ़ना। मैं एक ही क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ,